हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप हियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक्चुअली ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग है कि कहाँ पर असेंडिंग लूप है, कौन सा डिसेंडिंग लूप है, कौन किस के लिए परमिएबल है, कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। व्हाई वी आर सेइंग काउंटर, बिकॉज इन नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले, इन वासारेक्टा, बोथ इन बोथ लूप्स जो करंट है वो कैसी है, जो करंट मीन्स फ्लो, जो फ्लो है वो कैसा है, अपोजिट है। कैसा है फ्लो? अपोजिट है। इन वासारेक्टा एंड नेफ्रॉन, इन बोथ द ट्यूब्यूल्स द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज अपोजिट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग व्हाट काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। तो पूरी प्रोसेस पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम यहाँ टॉपिक पे लास्ट में आएंगे, एंड में एक बार देखते हैं हमें कैसे समझना है। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो मैंने बना रखा आपके लिए। मैंने कहा देखें एक बार, क्लियर देखें। ये हमारे पास कॉर्टेक्स पार्ट है, आउटर पार्ट है, ये आउटर मेडुला है, और सेंटर की तरफ क्या है हमारे पास, इनर मेडुला, राइट। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन पर्पस क्या, मोटो क्या है, क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इस मैकेनिज्म का मोटो है कि सर ये कैसे भी करके क्या करेगा, सर यूरिन को कंसंट्रेट करेगा। ये मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म का यूज करके किडनी क्या करती है, हमारा यूरिन को कंसंट्रेट करती है सर, ठीक है जी। तो यूरिन कंसंट्रेट करने का पर्पस हमारा है। इसका मतलब यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे किसकी, वाटर की। हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, हम बात करेंगे यूरिया की। तो तीनों ही हमारे ये मेन है जिनका एक्सचेंज हमें देखना है, ठीक है। देखिए, अच्छा अब एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि जो आपका रेड कलर से है, रेड वन, इसको बोला हमने क्या है, ये वासारेक्टा है। सर आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, बोमन कैप्सूल। ये हमारे पास क्या है, बोमन कैप्सूल। इसके अंदर ब्लड कैप्स का जो नेटवर्क है इसको बोल रहे हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये अफ्रेंट आर्ट्रियोल है, ये इफ्रेंट आर्ट्रियोल है। इसका मतलब सर वासारेक्टा जो है वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। बिल्कुल सही, इफ्रेंट आर्ट्रियोल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म कौन होता है, वासारेक्टा। और ये हेनले लूप के साथ क्या होता है, एक साथ कॉइल्ड फॉर्म में होता है। पैरेलली देखेंगे आप, इसको देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो ब्लड फिल्टर आया हमारा, फिल्टर होने के बाद ये इसके साथ चल रहा है। और वासारेक्टा और लूप ऑफ हेनले में ही हम करंट की बात कर रहे हैं, जो फ्लो हो रहा है फ्लूड का, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर एरो बना रखा है और आपको दिखा रखा है आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। व्हाट द मीन्स ऑफ आर, आर इज रिप्रेजेंटिंग रीअब्सॉर्प्शन। जो फिल्ट्रेशन हो गया है, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, मतलब जो हमारे पास वासारेक्टा है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, दोनों का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है अभी स्टार्टिंग में। बट केवल अगर हम बात करेंगे जो हमारा पीसीटी पार्ट है, बोमन कैप्सूल का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है पीसीटी, वहां पर प्रोटीन नहीं होंगे और ब्लड कॉर्पसेस नहीं होंगी। प्रोटीन नहीं होगा और ब्लड कॉर्पसेस नहीं होगी, बाकी फिल्ट्रेट सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। ओके, अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे लूप ऑफ हेनले में, ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बोला हमने क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसी के अपोजिट में जो हमारे पास वासारेक्टा है, इसको बोलते हैं क्या, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टा है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टा, ठीक है। हमने देख रखा है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो क्या करेगा, वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर को यहाँ पर रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, यहाँ पर वाटर को क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर हमने वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया है, और जब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे, तो यहां पर ये किसके लिए परमिएबल है, NaCl के लिए। किसके लिए है, NaCl के लिए। और ये NaCl कहां आ रहा है सर, इंटरस्टिशियम में। ये कहां आ रहा है, इंटरस्टिशियम में आ रहा है, और यही एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा, इसको एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, देखो एरो बना रखा हमने, एरो बना रखा है ना, ये एरो एब्जॉर्ब करेगा कौन, आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टा इसको एब्जॉर्ब करेगा, और वापस ये ब्लड के साथ फ्लो होके कहा जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टा में, वहां पर ये क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा, वहां पर ये क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
NaCl रिलीज हुआ है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सॉरी बेटा, यहाँ पर NaCl रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर NaCl प्रेजेंट है, ऊपर तो NaCl रिलीज हो जाएगा, तो ऊपर कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब देखिए एक बार इस वाले पार्ट में मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको, आप देखेंगे तो ग्रीन कलर से आपको दिखेगा कि ये जो आपका DCT है और ये आपका जो वासा रेक्टा, ये पैरेलल है। DCT और वासा रेक्टा क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्रीशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, आयंस का, सिक्रीशन होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हमारे पास आयंस आएंगे कहाँ पर, इसको बोला गया ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, देखिए ध्यान से, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ, जो फिल्ट्रेट आया है, इस फिल्ट्रेट को हमने क्या किया है, यहाँ से एब्जॉर्ब किया है किसको, वाटर को। ये हो गया कंसंट्रेट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर कुछ अमाउंट है यूरिया का जो रिलीज होगा, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा। यूरिया ये रिसीव कौन करेगा, आपका जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ एनले है, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ एनले इसको रिसीव करेगा, और ये वापस से चक्कर लगा के आएगा, वापस से इसी पैसे से जाएगा, और ये वापस से कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। सर ये गया ही क्यों, ये कलेक्टिंग डक्ट से निकला ही क्यों, अगर इसको वापस से यहाँ पर आना था तो ये रिलीज ही क्यों हुआ। सर यूरिया जो स्मॉल अमाउंट है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहाँ पर, ये स्मॉल अमाउंट में यूज है, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फॉर व्हाट, टू मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, टू मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसी बात को वापस हम थोड़ा सा और अच्छे से, बहुत गंदा हो गया ना दिखाने में आपको, थोड़ा सा और क्लियर वे में समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। देखिए क्या हुआ, अब आप देखिएगा कौन सा वासा रेक्टा है, कौन सा लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है हमारा, ये हमारा क्या है, वासा रेक्टा। अब आपको समझना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ये क्या हो जाएगा हमारा, असेंडिंग वासा रेक्टा। इस वाले पार्ट को बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इस वाले पार्ट को बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आप ध्यान से देखिए, ये ब्लड हमारा आया, जो फिल्ट्रेट हो गया, ब्लड नहीं है ये, फिल्ट्रेट है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, हमने कहा था ये परमिएबल किसके लिए है, वाटर के लिए, वाटर बाहर आ गया ना, वाटर तो बाहर आ सकता है लेकिन इसमें सर आयंस नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है, वाटर बाहर निकल गया। अच्छा, आपको पता है सर, अगर हमारे पास ये हमारे पास शुगर है, ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन से वाटर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। वही हुआ है सर, वाटर रिलीज करने से कंसंट्रेशन बढ़ गया है। कैसे, देखो यहाँ पर 300 ऑस्मोल पर लीटर था, यहाँ पर 400, यहाँ पर 600, 900 एंड लास्ट में 1200। लेकिन हमें पता सर, जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, आयंस के लिए। आप देखो ना, यहाँ से मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ बेटा, आप देखो यहाँ पर आयंस रिलीज हो रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयन, NaCl रिलीज हो रहा है सर, यहाँ से आयंस रिलीज हो रहे हैं। अगर यहाँ से हम शुगर भी निकाल लें, अब शुगर निकालेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन बैक टू नॉर्मल, कंसंट्रेशन बैक टू नॉर्मल। बात समझ में आई। अब देखो 1200 से 700 से 400, 400 से 300, ये वापस से आ गया नॉर्मल, 300 पे आ गया। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं सर वासा रेक्टा का, वासा रेक्टा की बात करेंगे। आप देखिए 300 था, हम बात करें डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। डिसेंडिंग में हमने बोला ये परमिएबल है किसके लिए, एब्जॉर्ब करेगा किसको, आयंस को। एब्जॉर्ब कर लिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा। देखिए 300 से 400 से 600 से 900 से 1200। ओके, जो असेंडिंग पार्ट ऑफ है वासा रेक्टा, जो असेंडिंग पार्ट है वासा रेक्टा का, वो क्या करेगा, वो वाटर के लिए परमेबल है। अगर वापस से ऐड कर दिया वाटर तो सर कंसंट्रेशन क्या होना है, कम होना है सर, ऑब्वियसली। देखो 1200 से कहाँ गए हम लोग, 1200 से वापस आ गए हम लोग कहाँ पर, 900 में, 600 से 400 से 300 में वापस आ गए। तो अब देखो दोनों में, एक आपका वासा रेक्टा, एक आपका लूप ऑफ हेनले, दोनों में जो करंट है, जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है वो कैसा है, अपोजिट है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग व्हाट, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं।
थोड़ा सा और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लूप ऑफ हेनले क्या कर लिया है, अंदर बाहर कर दिया है और वासेरेक्टा अंदर कर दिया है। सर इस पर कन्फ्यूज मत होना, हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल किसके लिए है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल है और असेंडिंग वाला जो है वो नहीं है, किसके लिए, वाटर के लिए। इसका अपोजिट की बात करें, इसका रिवर्स देखें, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे वो एक्टिवली पंप करेगा किसको, आयंस को। वाटर की बात करें, वाटर गोज टू वेयर द मोस्ट स्टफ। अब क्या हो जाएगा, वाटर जो भाई परमिएबल ही नहीं है। हमें बात की नेक्स्ट बोला गया वासेरेक्टा रिमूव्स वाटर सो इट डजंट डाइल्यूट। अभी डाइल्यूट नहीं हो सकता, इसलिए तो हमने बोला है कि आपको कि जो लोअर वाला पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है सर, दैट इज 1200, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, राइट। चलिए हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, एक बात देख लेते हैं। फिल्ट्रेट इंटरिंग द डिसेंडिंग लीप ऑफ बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर कंसंट्रेटेड एज इट लॉसेज वाटर। वाटर लॉस होगा, देखिए वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर लॉस होगा तो हमारा जो कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। ब्लड की बात करें, ब्लड इन द वासेरेक्टा रिमूव्स वाटर लिविंग द लूप ऑफ हेनले। सर वासेरेक्टा से वाटर निकल रहा है तो यहाँ भी कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, 3 से 5 से 6 से 9 to 1200, है ना, बिल्कुल सेम। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो डायग्राम जहाँ से स्टार्ट किया था हमने उसकी बात करते हैं, आपकी बुक का डायग्राम है, एक बार देख लेते हैं। हमने आपको दिखाया था आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स, ये मिड वाला पार्ट है आउटर मेडुला, पेरिफेरी की तरफ मेडुला पार्ट है, इनर मोस्ट सेंटर में पार्ट कौन सा है, इनर मेडुला, और मेडुला वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मोर कंसंट्रेटेड। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, देन 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर, एंड हाईएस्ट होता हमारे पास 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अभी क्लियर हो गया है, होप सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे तो मे बी आपको सारे जो डाउट्स आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमने 2 या 3 डायग्राम से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, थैंक यू, टेक केयर। वी आर रनिंग अ बैच ऑफ नीट एंड एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स, दोज हु आर हाईली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस बैच, ओनली ऑनलाइन बैच था प्रोवाइडेड बाई अस, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन गिवन नंबर 9462011387। थैंक यू गाइज, थैंक यू, टेक केयर।